अस्सलाम वालेकुम, आपको नजमा किचन ऑफिशियल की तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज हम शॉपिंग करने निकले हैं, इतना कुछ सामान नहीं ले पाए लेकिन थोड़ा बहुत लिया है तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो देख रहे हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं। अभी फ़िलहाल तो नज़र पड़ रही है हमारी केक रस के ऊपर, तो ये ले लेते हैं, हमें चाय में, शाम की चाय में पीने में मज़ा आएगा। बिस्किट वगैरह हैं, काफ़ी वैरायटी है लेकिन फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं, बाकी देखते हैं और हमें क्या चाहिए जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। बिस्किट वगैरह तो देख लिया हमने, अब देखते हैं हम। ओके, नूडल्स हैं, अफ्तार में खाई जा सकती हैं, बच्चों को खिलाई जा सकती हैं अगर आप चाहें तो। रेडी टू ईट डिनर भी हैं और जनाब अच्छी खासी वैरायटी है इनके पास। दही बड़े हम कोशिश करेंगे कि हम घर में खुद बनाएं। इसके अलावा गेट्स के हमने सांभर लिए हैं, अक्सर सूप की तरह हम पीते हैं। चलें भाई, तो फिर अब हमने उठाई है फेनी सहरी के लिए। हम खजला देख रहे थे, यहाँ पर खजला नहीं मिलता है तो फेनी से ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आइटम हमने लिया है शीरमाल, ये भी हम सहरी में अक्सर लेते हैं, फ्रोज़न ही ऑप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट आइटम है घी और ये अब आया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमें चाहिए होगा। पकौड़े में भी हम यूज़ करते हैं इसको। और ये शान वालों का हमने फर्स्ट टाइम देखा है अनियन पेस्ट, ये थोड़ा डिफरेंट होगा तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। मिनी साइज़ में रूह अफ़ज़ा की बोतल है, एवरीडे मस्ट हो जाता है, चाय में एक चम्मच डाल के ज़बरदस्त चाय लगती है हमें। आप हमें बताइएगा आप कैसी चाय पीना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग या लाइट। उसके बाद जनाब है ये जैली फालूदा, रबड़ी फालूदा, और ये गिट्स की जलेबी भी हैं अगर आप ऑप्शनल हैं आप बनाना चाहें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। दूसरा है ये शाम की चाय के लिए हमने खारे लिए हैं और ये फिर हमने केक रस दूसरा वाला उठाया है, आई थिंक ये नो एग है इसके अंदर। बेसन मस्ट है पकौड़ों के लिए, उसके बगैर रमज़ान मुकम्मल नहीं। फिर हमने पिंक सॉल्ट लिया है और इलायची फ्लेवर में, ये सुपारी ज़बरदस्त लगती है मुझे। और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है शान की, तंदूरी सॉस, पुलाव, बिरयानी, चिकन टिक्का मसाला, अचार, गोश्त मसाला, कोरमा करी एंड कढ़ाई बाल्टी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये है जी सिंधी बिरयानी, तो अगर आपने ये ट्राई किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हमें ये तंदूरी नान उठाने थे, अक्सर मूड नहीं होता। अभी फ़िलहाल शॉपिंग हमारी डन हो गई है हाफ, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और बताइएगा कि हमें दोबारा ब्लॉग की वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।